इसे वहां के लोग बहुत मानते हैं। शांति है तू ही मेरा आधार। जय जय हे शनि राज देव तेरी जय जयकार, तू ही मेरी सुख शांति है तू ही मेरा आधार। जय जय हे शनि राज देव तेरी जय जयकार, जय जय हे शनि राज देव तेरी जय जयकार, जय जय हे शनि राज देव तेरी जय जयकार। छवि तुम्हारी ग्रह मंडल का तू बलिहारी, नील वर्ण की छवि तुम्हारी ग्रह मंडल का तू बलिहारी, तेरे चरण में शरणागत है देवलोक संसार, तू ही मेरी सुख शांति है तू ही मेरा आधार, तू ही मेरी सुख शांति है तू ही मेरा आधार। तुम्हारा विनाशकारी दया कृपा हो तारणहारी, क्रोध तुम्हारा विनाशकारी दया कृपा हो तारणहारी, एक याचना एक प्रार्थना तू ही करे उद्धार, तू ही मेरी सुख शांति है तू ही मेरा आधार, तू ही मेरी सुख शांति है तू ही मेरा शांति है तू ही मेरा आधार। जय जय हे शनि राज देव तेरी जय जयकार, जय जय हे शनि राज।
अच्छा, इस गांव में रहते हैं तुम्हारे नाना जी? हाँ भाई, यही तो है शिंगणापुर। रवि, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि पूरी लाइफ अपने शहर में बिताने के बाद यहाँ इस गांव में क्या कर रहे हैं नाना जी? भाई, रिटायरमेंट के बाद उनकी यही इच्छा थी कि किसी शांत और धार्मिक जगह पर जिंदगी गुजारे। और वैसे नाना जी के पुरखे भी तो यही रहते थे। मैं भी रिटायरमेंट के बाद तुम्हें लंदन से भगाकर इसी शिंगणापुर में लाऊंगा। आहा, डोंट यू डेयर ट्राई दैट। हां, ए रवि, देखो तो यहाँ पर कहीं डोर्स नहीं नजर आ रहे। अजीब बात है, यहाँ के घरों में ना दरवाजे हैं ना खिड़कियाँ। साहब, ईश्वर की कृपा से बड़ा अनोखा गांव है ये। लातूर की तरह यहाँ भी भूकंप आया होगा। भूकंप में दरवाजे खिड़कियाँ गिर गए और दीवारें खड़ी रह गई। वाह पांडे जी, कमाल का लॉजिक है आपका। रवि, हम लोग एक घंटे में निकल जाएंगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल, अंधेरा होने से पहले हमें बॉम्बे पहुँचना है। अरे, लेफ्ट टर्न करने को कहा था ना आपको? अरे साहब, उल्टे हाथ की तरफ मुड़ेंगे तो हर काम उल्टा हो ही जाए, और राइट हैंड की तरफ मुड़ेंगे तो ईश्वर की दया से इंसान बिल्कुल राइट जगह पहुंच जाएगा। ये हमारा विश्वास है। विश्वास नहीं पांडे जी, ये अंधविश्वास है। अरे सुनती हो, जरा बाहर तो आओ, देखो रवि बेटा आया है बहू को लेकर। नाना जी, जीते रहो बेटा, जीते रहो, जीते रहो बहू। छोटे से थे जब आए थे यहाँ, याद है ना? हाँ नाना जी, थोड़ा थोड़ा याद। अरे रवि, इतने वर्षों बाद नाना नानी की याद आ ही गई तुझे। बहू को लेकर आ गया बेटा। भगवान तुम्हारी जोड़ी सदा बनाए रखे। अरे रवि, लंदन से तू हमारे लिए लक्ष्मी ढूंढ लाया रे। बड़ा भाग्यशाली है तू, साक्षात देवी स्वरूप है मेरी बहू रानी। बहू, बेटा घर में सब ठीक तो है ना? बस आपके आशीर्वाद से सब ठीक है नाना जी। रास्ते में तकलीफ तो नहीं हुई? अपने नाना नानी के पास आने में कुछ तकलीफ हो भी तो क्या है, भगवान ना करे कभी हो। तुम लोगों को देख लिया, मन भर गया। अब यही खड़े खड़े बहू बेटे से बातें करोगे क्या? बाकी बातें घर में जाकर करना। चलिए चलो चलो। अरे तुम दोनों से बहुत बातें करनी है, सुनूंगी और सुनाऊंगी भी। ए भाई, नको नको, यहाँ ताला नहीं लगाने का। इस गांव में कोई ताला नहीं लगाता। भला क्यों? क्योंकि शिंगणापुर गांव पर शनि भगवान की कृपा है, इसलिए यहाँ कभी चोरी नहीं होती। यहाँ के लोग अपने घरों में न दरवाजे लगाते हैं न ताले। अरे दरवाजे क्यों, यहाँ तो संदूक और पेटी में भी ताले नहीं लगाते। हमारे यहाँ सब कुछ सोना चांदी रुपया पैसा सब ऐसे ही पड़ा रहता है। ये देखो, इस चोरी चकारी के युग में ऐसी जगह का होना तो नामुमकिन लगता है। पर है ना मुमकिन? यहाँ घर के दरवाजे न होने की एक वजह यह भी है कि शनि भगवान को आने जाने में दिक्कत ना हो। वो जब चाहे यहाँ आए, जब चाहे जाए। चलो बच्चों, अब चाय नाश्ता हो गया, अब अंदर चलें। नहीं नाना जी, आज जरा टाइम का प्रॉब्लम है। वो क्या है नाना जी, हमें जरा जल्दी है। भाई ऐसे भी क्या जल्दी है, आए हो तो ठहरोगे नहीं? नाना जी, हमें लंदन किसी वजह से अचानक जल्दी जाना पड़ रहा है। भाई ये तो कोई बात नहीं हुई, बस आप दोनों का आशीर्वाद लेना जरूरी था सो ले लिया। पर नेक्स्ट टाइम जब भी हम दोनों यहाँ आएंगे तब एक महीने तक आपके साथ जरूर रहेंगे। हमें फुसला रहे हो बेटे, फिर न जाने कब आओगे। जब आ ही गए हो तो कर लो दर्शन शनि भगवान के। इस गांव में जो भी आता है वो शनि भगवान के दर्शन किए बिना नहीं लौटता। चलो चलते हैं। नानी जी, इस बार हमें एक्सक्यूज कीजिए, आप दोनों के दर्शन करने थे सो हो गए, अब अगली बार यहाँ के भगवान के भी दर्शन हो जाएंगे। यहाँ भगवान के बुलावे को कोई नहीं टाल सका, और ये भी समझ लो कि यहाँ तक तुम आए हो तो उन्हीं के बुलावे पर आए हो। तो भगवान के बुलावे पर हम दोबारा आ जाएंगे नाना जी। अब मैं क्या बोलूं, आगे जो हर इच्छा